मैंने तकरीबन अपने बचपन से ही पढ़ना शुरू किया, उसके बाद स्कूल लाइफ में भी मैं मुकाबलों में हिस्सा लेती रही। नाथवानी मुझे बचपन से ही शौक रहा। एक बड़ा चांस मिला था जहाँ पर एक्सप्रेस टीवी पे मुझे बुलाया गया था, इसके बाद जो है वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया। इसी तरीके से सफर अभी चलता रहा है। Farah is the right voice for this specific kalam, so we select Farah to sing, to recite this kalam with very ethnic touch of music. आप जरा इसको समझे। तुम सामने आ जाना, जब जाने लबों पर हो। मुझे गौहर ने बताया कि वो एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जगराग के नाम से, और जहाँ पर अच्छी अच्छी सनाफा मौजूद हैं। तो मैंने गौहर से कहा कि भाई मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे इंटर करें। सर का काम देखा और मैंने यहाँ पर कलाम भी रिकॉर्ड करवाया। बेदम शाह वारसी साहब का कलाम बेखुद किए देते हैं। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस मेलोडी एंड द कलाम। मैंने ये काफ़ी मरतबा अपने बचपन में सुना था, लेकिन उसके बाद एक टाइम पीरियड आई, एकदम से गायब हो गया। लेकिन इस मेलोडी के अंदर एक अजीब सा एक मोहब्बत और एक इस्तराब की भी कैफियत नजर आती है मुझे। तो मैंने सोचा यार इसको इस मेलोडी को प्रिजर्व करना चाहिए एक नए अंदाज में। तो स्टार्टिंग में तो जो कोरस बज रहा है, दैट इज एक्चुअली द ट्रिब्यूट टू सर बेदम शाह वारसी, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस स्पेसिफिक कलाम। हम जब कलाम रिकॉर्ड कर रहे थे तो फरा ने कहा, सर इसके अंदर इतने बड़े शायर हैं, अगर हम उनका जो है मक्ता यूज नहीं करेंगे, उनका नेम यूज नहीं करेंगे तो बड़ा बुरा हो जाएगा। मैंने ठीक है एक काम करते, रूल ब्रेक करते। सो वी स्टार्टेड विद मक्ता।